बस बंदे भाई बहुत ही कष्ट और मेहनत करके थोड़ा सा पैसा जमा करते हैं और सोचते हैं भाई एक गाड़ी ले ले और आराम से हम लोग चले भाई, टेंशन फ्री चले, कोई हेडेक ना रहे। और वही गाड़ी अगर भाई बाद में जाके हमको पछताना पड़े कि भाई ये गाड़ी हमने क्यों ले लिया, तो भाई वहाँ पे आ जाती है बहुत बड़ी दिक्कत। क्योंकि गाड़ी को अगर बेचने जाएंगे तो भाई वहीं पर आपका वैल्यू घट जाएगा 20 या 30% जब भी आप शोरूम से गाड़ी को निकालेंगे। तो करे क्या भाई, इससे अच्छा तो जब गाड़ी आप खरीदे तब भी आप अच्छे से देख रेख के अपने फैमिली के नीड के हिसाब से ही गाड़ी को खरीद ले और भाई लॉन्ग टर्म में जाके आपको पछताना बिल्कुल भी ना पड़े। मान लो भाई आपके फैमिली में बंदे हैं 7 और आपने एक 5 सीटर गाड़ी खरीद ली किसी और की बात सुन के, या फिर आपको अच्छा लग गया वो गाड़ी तो आपने खरीद लिया, पर भाई बाद में जाके आपको पछताना पड़ेगा कि भाई हमने ये गाड़ी क्यों ले ली। क्योंकि भाई आपने खरीद लिया 5 सीटर गाड़ी, उसमें बंदे बैठ सकते 5, हाईएस्ट हाईएस्ट ठूस बूस के 6, तो भाई बुजुर्ग लोगों को तो आप उधर बैठा नहीं सकते। तो इससे अच्छा आप पहले ही भाई अच्छे से देख रेख के 7 सीटर गाड़ी खरीद लेते हैं तो भाई आपका दिक्कत वहीं पर खत्म हो जाता। तो भाई गाड़ी खरीदने के वक्त देख रेख के गाड़ी खरीदे, इसके लिए भाई आपको गाड़ी खरीदते वक्त भाई आपका नीट के हिसाब से ही गाड़ी को खरीदना है। आप लुक के बेसिस में खरीदो या फिर और कुछ अगर आपको अच्छा लग जाए, एग्जॉस्ट नोट या फिर ये सब, भाई अपने सिचुएशन वाइज ही आप गाड़ी को सिलेक्ट करो और कौन सी गाड़ी आपकी नीट को पूरा करती है गाड़ी आपके लिए लॉन्ग टर्म में जाकर ज्यादा फायदा देगी और आपको भी चलाने में मजा आएगा और संतुष्टि भी रहेगी। भाई गाड़ी तो है, मजा करेंगे गाड़ी लेके। मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ भाई, आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो भाई आपके घर से ऑफिस 60 किलोमीटर दूर है, आना जाना 120 किलोमीटर। आपने भाई किसी एरा गेरा नत्तू गेरा के बात सुन के आपने खरीद लिया एक पेट्रोल गाड़ी कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो है और भाई मजा आ जाएगा। पर भाई धीरे धीरे आप देखेंगे कि भाई ये गाड़ी भाई माइलेज बहुत ही लो दे रही है, भाई आना जाना 120 किलोमीटर एक दिन का ही खर्चा पड़ जा रहा है 500 रुपये। भाई फायदा भाई लॉन्ग टर्म में जाके आपका कहाँ होगा भाई फायदा। वहीं पर अगर आप लॉन्ग रनिंग के लिए भाई हमेशा भाई एक चीज याद रखिएगा, डीजल इंजन ही बेस्ट रहती है। रगड़ा दो कुछ दो भाई, डीजल इंजन में कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और माइलेज भी बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है। और भाई पेट्रोल डीजल का प्राइसिंग भाई पेट्रोल से थोड़ा सा लो है। लॉन्ग टर्म में जाके भाई ये आप देखेंगे कि भाई डीजल इंजन ही आपको ज्यादा फायदा करा के दे रही। तो वैसे ही भाई आप एक लिस्ट बना दीजिए और हर एक चीज लिख लीजिए भाई, आपको गाड़ी किस लिए चाहिए, कंफर्ट के लिए चाहिए या फिर टशन मारने के लिए चाहिए या फिर फैमिली पर्पस के लिए चाहिए या फिर ऑफिस ये सब जाने के लिए चाहिए। भाई एक लिस्ट बना दीजिए और साइड में कारों का नाम लिख दीजिए और सब फीचर्स वगैरह लिख दीजिए। भाई जिस भी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट बैठ जाती है उस सिनेरियो पे, भाई वही गाड़ी आप बुक कर लीजिए और गाड़ी को लेके आ जाइए। क्योंकि भाई एक बार आपने गाड़ी ले लिया भाई फिर आप बेच नहीं पाओगे। अरे बेच तो पाओगे, मतलब भाई लॉस में आपको बेचना पड़ेगा, तो लॉस की भी उठाए भाई एक बंदा जिंदगी में। चीज का आपका अच्छा खासा ध्यान रखना है भाई कि सर्विस सेंटर आप जिस गाड़ी को ले या उस सर्विस सेंटर आपके लोकेलिटी एरिया में है भाई 10-20 किलोमीटर के अंदर, ये ना हो भाई 50-60 किलोमीटर दूर आपका सर्विस सेंटर है। खरीदते वक्त तो भाई आप बोलेंगे भाई 60 किलोमीटर दूर है तो क्या हो गया, साल में तो भाई 1-2 बार ही आपको सर्विस सेंटर में जाना है, भाई चल जाएंगे क्या दिक्कत है। पर भाई आप लॉन्ग टर्म में जाके ये महसूस करेंगे कि भाई यार साल में 1-2 बार भी जाने का मन नहीं कर रहा यार, कार सर्विस सेंटर घर के पास होता तो वही जाके सर्विसिंग करा लेता। तो भाई इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और भाई एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई रीसेल वैल्यू, आप एक ऐसा गाड़ी खरीद लेते हैं जिसका भाई मार्केट में जाके वैल्यू बाद में जाके गिर जाता है तो भाई ये आपका बहुत ही दिक्कत देने वाली बात है। मान लो भाई एक पॉइंट में आके आपको गाड़ी को बेचना ही बेचना है तो आप क्या करेंगे भाई, आपका बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकता है अगर आप एक मतलब बुरी रिसेल वैल्यू वाली गाड़ी खरीद लेते हो भाई, जैसे कि टाटा या ये सब वगैरह की भाई रिसेल वैल्यू बहुत ही कम। तो रिसेल वैल्यू का भी आपका ध्यान रखना है गाड़ी खरीदते वक्त। जैसे भाई टोयोटा एंड मारुति की रिसेल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है भाई, 1-1.5 लाख गाड़ी चली हुई गाड़ी, उनका भी भाई बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू मिल जाती है भाई रिसेल मार्केट में। तो इन्हीं सब पॉइंट को आप देख रख के गाड़ी खरीदे। और भाई मेरा ज्ञान आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो भाई जरूर से सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, तो भाई और क्या चाहिए भाई।